नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य सरकार के वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी करते हुए मीटिंग नोटिस जारी किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि संविदा सेवा नियम 2022 की क्रियान्वित के संबंध में शासन सचिव वित्त बजट की अध्यक्षता में दिनांक 15 सितम्बर 2023 को शासन सचिवालय स्थित समिति कक्ष सेकंड में 5:30 बजे एक बैठक का आयोजन किया गया है। जिस बैठक में निम्न जो अधिकारीगण है वो उपस्थित रहेंगे, ACS चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन स्तर से कम का न हो, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से कम का न हो, शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और शासन सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिव अल्पसंख्यक एवं मामलात विभाग। तो आप देख सकते हैं, साथ ही इन्होंने निवेदन किया कि राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के संविदा पदों के सहस्थापन संबंधी कार्य कर रहे अधिकारी एवं विभाग या संस्था में राजस्थान लेखा सेवा के पद स्थापित वरिष्ठतम अधिकारी को भी बैठक में उपस्थित होने के निर्देश करावे। आप देख सकते हैं, सुरेश कुमार वर्मा जो संयुक्त शासन सचिव फर्स्ट हैं, उनके हस्ताक्षर से मीटिंग नोटिस यहां पर जारी किया है। तो मैं बता दूं, 15 तारीख को यहां पर जो बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो नियमित पदों का सर्जन संबंधी महत्वपूर्ण जो फैसले हैं संविदा कर्मचारियों को लेकर लिए जाएंगे। साथ ही जो संविदा कर्मचारी जिनको 9 वर्ष से ऊपर का समय हो रहा है अनुभव में, उनको नियमितकरण के लेकर अग्रिम स्टेप है वो यहाँ पर उठाया जाएगा। तो दोस्तों, 5:30 बजे 15 सितंबर 2023 को शासन सचिवालय के कमेटी कक्ष सेकंड में 5:30 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित यहाँ पर होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर साथ ही सहस्थापन अधिकारी के जो है काम कर रहे जो अधिकारीगण है वो भी इस बैठक में उपस्थित होंगे। और यहाँ पर CSR रूल्स 2022 की क्रियान्वित के संबंध में चर्चा यहाँ पर की जाएगी। नवीन पदों का किस प्रकार से नियमित पदों का सर्जन किया जाना है, संपूर्ण जो बायोडाटा है इसमें यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।